नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पर आपने सबसे अधिक वोट दिए हैं एआई स्टॉक कंपैरिजन को। तो आज की इस वीडियो में हम चार कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। देखिए, आजकल हर जगह पे चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और लोग इससे काफ़ी सारा पैसा भी कमा रहे हैं। अब देखिए, एक बात तो कन्फर्म है कि आने वाला समय एआई का ही होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ चार स्टॉक्स। अब देखिए, हर कोई जो बड़ी कंपनी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रही है। तो देखिए, ये जो चार कंपनियां हैं इनके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनी है जो कि एआई के कारोबार में है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं केपीआईटी, हैपेस्ट माइंड, जेंसा टेक्नोलॉजी और डेटामेटिक्स को। दोस्तों, इन चार कंपनियों को आज हम डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे और देखने वाले हैं कि क्या इनमें से कोई सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो के लायक है कि नहीं। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं कि आज आपको मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि एआई क्या है और कैसे काम करता है और ये कितनी प्रकार का होता है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पर हम इन चारों कंपनियों को कंपेयर करने वाले हैं। केपीआईटी की मार्केट कैप है 31,114 करोड़, हैपेस्ट माइंड की मार्केट कैप है 13,457 करोड़, जेंसा टेक्नोलॉजी की मार्केट कैप है 8,656, और वहीं पे डेटामेटिक्स इस लिस्ट की सबसे छोटी कंपनी जिसकी मार्केट कैप केवल 3,223 करोड़ की है। इसके बाद अब हम देखते हैं, अगर दोस्तों आपको इन चारों कंपनियों में एक रुपया कमाना है तो आपको एडवांस में इन कंपनियों को कितना पैसा देना होगा। तो केपीआईटी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 81.65, हैपेस्ट माइंड का 62.19, जेंसार के अंदर 27.36 और डेटामेटिक्स का 17.13 का। तो नंबर देंगे हम यहाँ पे केपीआईटी को एक नंबर, हैपेस्ट माइंड को मिलते हैं 2, जेंसार को 3 और डेटामेटिक्स को मिलते हैं पूरे 4 नंबर। अब हम देखते हैं ईवी बाय ईबिटा, ये रेशो जितना कम उतना अच्छा माना जाता है। तो केपीआईटी का ईवी बाय ईबिटा है 45.5, हैपेस्ट माइंड के अंदर 38.8, जेंसार के अंदर 13 और वहीं डेटामेटिक्स का है 11 का। पॉइंट देते हैं केपीआईटी को 1, हैपेस्ट को 2, जेंसार को 3 और डेटामेटिक्स को मिलते हैं पूरे 4 नंबर। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इसमें चल रहा है। तो ये रेशो देखिए जितना कम उतना अच्छा माना जाएगा। तो केपीआईटी के अंदर है 18.65 टाइम्स, हैपेस्ट माइंड के अंदर है 16.28 टाइम्स, जेंसार का है 3.34 और वे डेटामेटिक्स का है 3.11। यहाँ पर फिर से डेटामेटिक्स को बेनिफिट मिलता है। तो केपीआईटी को मिला 1, हैपेस्ट को मिले 2, जेंसार को 3 और डेटामेटिक्स को मिले पूरे 4 पॉइंट। अब हम देखते हैं कि इन कंपनियों का शेयर का भाव इनकी सेल्स के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इसमें ट्रेड कर रहा है। तो केपीआईटी की प्राइस टू सेल्स रेशियो 7.43 टाइम्स, हैपेस्ट माइंड की है 8.26, जेंसार की है 1.28 और डेटामेटिक्स में 1.15। तो फिर से देते हैं केपीआईटी को 2 पॉइंट, हैपेस्ट माइंड को 1, जेंसार को 3 और पूरे पॉइंट मिलते हैं डेटामेटिक्स को 4 पॉइंट। इसके बाद अब देखते हैं पीजी रेशियो। अब देखिए, ये रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1 से ऊपर होगा तो यानी कि वो कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड है, तो उस कंपनी को हम कोई भी नंबर नहीं देंगे। केपीआईटी का पीजी रेशो है 2.1, हैपेस्ट माइंड का है 2.13 और जेंसा टेक्नोलॉजी का है 4.67 और वहीं पे डेटामेटिक्स का पीजी रेशो है 0.78। तो हमने यहाँ पे किसी भी कोई नंबर नहीं दिया है, केवल डेटामेटिक्स को मिले 4 नंबर। अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इन कंपनियों के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था अब बदले में कंपनी अपने उन शेयर होल्डर को कितना पैसा वापस दे रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी केपीआईटी का 23.06%, हैपेस्ट माइंड का 26.19, जेंसार के अंदर 11% और वो डेटामेटिक्स का 18% का। तो पॉइंट देते हैं केपीआईटी को 3, हैपेस्ट को पूरे 4 पॉइंट, जेंसार को मिलता है 1 और डेटा को मिलता है 2 पॉइंट। इसके बाद हम रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों का जो मैनेजमेंट है वो कितने अच्छे ढंग से काम कर सकता है, इससे हमें ये पता लगता है। और इसके अलावा इन कंपनियों ने अब देखिए आगे जाके जो इन्वेस्टमेंट की है कहीं भी, वहाँ से ये कंपनियाँ कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं। तो केपीआईटी का आरओईसी है इसमें 23.59%, हैपेस्ट माइंड के अंदर 26.1%, जेंसार के अंदर 14.4 और डेटामेटिक्स के अंदर 22.48। तो पॉइंट मिलते हैं केपीआईटी को 3, हैपेस्ट को 4, जेंसार को मिलता है 1 और डेटा को मिलता है अभी 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। मान लीजिए अगर इन कंपनियों के पास खुद का 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के सामने इन कंपनियों पे कितने पैसे कर्ज है। तो केपीआईटी का डेट टू इक्विटी है इसमें 0.03, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और वहीं पर हैपेस्ट माइंड का 0.58, जेंसार का 0 है और वहीं डेटामेटिक्स का भी 0 है।
तो हमने यहाँ पे सभी कंपनियों को चार चार पॉइंट दिए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड, यानी कि तो केपीटी का डिविडेंड यील्ड है 0.27, हैपेस्ट माइंड की है 0.58, जेनसार की है 1.27%, ओविन डेटा की है 0.67%। तो यहाँ पे देखिए सभी का ही काफ़ी अच्छा है। तो केपीटी को मिला 1, हैपेस्ट को मिले 2, जेनसार को मिले 4 और डेटा को दिया हमने 3 पॉइंट। इसके बाद देखते हैं इन कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो केपीटी का 15.65%, हैपेस्ट माइंड का 23.5, जेनसार के अंदर 9.73 और वही डेटा के अंदर है 16.88%। पॉइंट देते हैं केपीटी को 2, हैपेस्ट को मिलते हैं 4 पॉइंट, जेनसार को मिलता है 1 और वही डेटा को मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, कितने FIDs के स्टेक्स है और कितनी म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो केपीटी के अंदर प्रमोटर का स्टेक्स है 39.49%, हैपेस्ट माइंड के अंदर 53.24%, जेनसार के अंदर 49.21% और वे डेटा मैटिक्स के अंदर 70.91%। FIDs की बात करें तो केपीटी के अंदर 35.72%, हैपेस्ट माइंड के अंदर 5.41, जेनसार के अंदर 26.31 और विन डेटा के अंदर 2.7%। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं अब तो केपीटी अभी तक 19 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है। वहीं हैपेस्ट को लिया है 14 ने, जेनसार को लिया है 11 ने और डेटा मैटिक्स के अंदर अभी किसी भी म्यूचुअल फंड ने बाय नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं कई इन कंपनियों के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने शेयर गिरवी रख के मार्केट से पैसा तो नहीं उठाया है। तो प्राइसिंग देखिए यहाँ पर केपीटी के अंदर 0 है, हैपेस्ट माइंड के अंदर है 7.01% और वही जेनसार के अंदर बिल्कुल मामूली सा 0.01% और डेटा मैट्रिक्स के अंदर 0 है। तो हमने यहाँ पे हैपीएस्ट और जेनसार को कोई भी पॉइंट नहीं दिया है और बाकी हमने केपीटी और डेटा मैट्रिक्स को पूरे 4 पॉइंट दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए आपने 3 साल पहले इन चारों ही कंपनियों में निवेश किया। अब दोस्तों 3 साल मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि देखिए जो हमारी एक कंपनी है जेनसार, माफ़ कीजिए, जो हमारी कंपनी एक हैपेस्ट माइंड, वो कुछ 2 साल और 9 महीने पहले लिस्ट हुई है, बाकी कंपनियां सब 3 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनियां। तो मैंने तो एक सिमिलरिटी बनी रही, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 साल का डेटा देख रहा हूँ। तो अगर आप 1 लाख रुपये निवेश करते केपीटी के अंदर 3 साल पहले, उस 1 लाख की दोस्तों कीमत होती आज के समय में 22 लाख रुपये। वहीं पर हैपेस्ट माइंड के अंदर आप निवेश करते 2 साल 9 महीने पहले तो दोस्तों आपकी कीमत आज होती 2.5 लाख रुपये। जेनसार के अंदर आपके बनते 3 साल के अंदर लगभग 4 लाख रुपये और वही डेटा मैट्रिक्स के अंदर 3 साल के अंदर आपके बनते पूरे 10 लाख रुपये। इसके बाद दोस्तों अब हम चेक करते हैं हमारा फाइनल स्कोर। तो दोस्तों जो 4th रैंक पे है उसको टोटल मिले हैं 22 पॉइंट, नाम है केपीआईटी। 3rd रैंक वाले को मिले हैं टोटल 23 पॉइंट, नाम है जेनसार। 2nd रैंक वाले को मिले हैं 25 पॉइंट, नाम है हैपेस्ट माइंड। और दोस्तों 1st रैंक पे 38 पॉइंट के साथ डेटामैटिक्स। तो दोस्तों इस कंपैरिजन में सबसे अधिक पॉइंट मिले डेटामैटिक्स को और सबसे कम मिले केपीआईटी को। अब देखिए मुझे पता है कि काफ़ी लोगों की पसंद केपीआईटी है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केपीआईटी देखिए एक ख़राब कंपनी है, क्योंकि देखिए अभी वो काफ़ी कम समय के अंदर उसने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है। यानी कि वहाँ पर जो उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो उसका EV/EBITDA है, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि ये सभी पर देखिए उसने अपने पॉइंट लूज़ किए हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केपीआईटी एक ख़राब कंपनी है। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे कि इनमें से कौन सी कंपनी अगर मुझे लेनी होगी तो मैं कौन सी लूँगा, तो दोस्तों मैं जाऊँगा केपीआईटी के साथ। आपकी पसंद कौन सी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इनके अलावा और भी जो कंपनियाँ जैसे कि टाटा एलेक्साई, एप्पल इंडिया, अगर आप उनका भी कंपेरिजन करवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो फिर इसकी मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आपके लिए इतना ही, अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।